Hello students, my name is Sunil Soran, senior zoology faculty CLC Sikar. Aaj apan biochem ke biochem DTS 9 ka solution karne ja rahe hain jo ki 5 march 2020 ko conduct ho raha hai. Is biochem ke vishay mein main jo important cheez hai wo pehle ek bar main aapko bata dun. Jag Jahir CLC ki biochem 2016 में कंडक्ट होना चालू हुई थी. इसकी खास बात यह है एनसीईआरटी बेस्ड ये पेपर करवाए जाते हैं. सीरीज है एक कंप्लीट बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के पेपर्स की. अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं तो 85-90% जो वेटेज है ये बायोकेम के हमारे क्वेश्चन कवर अप कर जाते हैं. कहने का मतलब दोस्तों 720 नंबर का नीट का जो पेपर है उस 720 में से 360 नंबर बायोलॉजी कवर कर जाती है. मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट इसी पेपर से ही बिलोंग करते हैं. ओके आइए तो चलते हैं पेपर के सॉल्यूशन की ओर. बायो डीटीएस 9 जो कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से है. एग्जाम वेटेज की अगर बात करूं तो 9-10 क्वेश्चन इन दोनों ही टॉपिक से टोटलिटी में बिलोंग करते हैं एग्जाम से. तो 9-10 सवाल आने की संभावना है इन दोनों ही चैप्टर से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए पी प्लांट हाउ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड इन ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. स्टूडेंट्स गौर करना, ओनली होमोजाइगस में एक्सप्रेस हो इसका मतलब अपने को रिसेसिव खोजना है. इससे अपने को इंडिकेट हो गया कि अपने को रिसेसिव ट्रेट का पता करना है, क्योंकि डोमिनेंट तो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगा, हिटरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगा. यहां बोल रहा है ओनली होमोजाइगस कंडीशन, तो रिसेसिव का पता करना है. एक्जियल एंड टर्मिनल फ्लावर, एक्जियल एक डोमिनेंट कंडीशन है. ओके येलो पॉड एक रिसेसिव कंडीशन है. ग्रेन सीड एक रिसेसिव कंडीशन है. इनफ्लेटेड पॉड एक डोमिनेंट कंडीशन है और राउंडेड सीड एक डोमिनेंट है. कहने का मतलब रिसेसिव अपने पास में यहां पर कितने आए हैं, 1 और 2. तो दो रिसेसिव का मतलब हो गया दो ट्रेट ऐसे हैं जो ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होंगे. तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस. एनसीईआरटी का मेंडलिज्म जहां से चालू हो रहा है उसके फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही है ये. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो ऐसा कब हुआ, कौन सी सेंचुरी के दौरान ऐसा हुआ कि इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों के सामने एक्सप्रेस की गई. तो ऐसा हुआ दोस्तों मिड नाइनटीन्थ. कहां से कहां है, 1800 से लेकर 1899. ये जो ड्यूरेशन है ये 19th सेंचुरी कहलाती है और 1850 के लगभग ये जो है इनहेरिटेंस के विषय में अपने को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाया गया. एक्चुअल में अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्शन की बात करें तो 1856 से 1856 टू 1863 तक मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे पी प्लांट के ऊपर और ये 2018 नीट का क्वेश्चन भी रह चुका है. तो अपना आंसर चला जाएगा मिड 19th सेंचुरी ऑप्शन नंबर 1. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट. एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, तो एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है ये कंप्लीटली. इसको एक्सप्रेस कर दें थोड़ा सा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो है जो कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन करती रहती है. क्लियर, अंडरगो कंटिन्यूअस क्रॉस पोलिनेशन. इसका मतलब इस क्रॉस की वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो गया अपना गलत. सोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस. एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये दर्शाती जाती है. ऑप्शन करेक्ट है. एक्सप्रेशन ऑफ अनस्टेबल ट्रेट फॉर सेवरल जनरेशन. नो, स्टेबल ट्रेट फॉर सेवरल जनरेशन. इसका मतलब यहां पर क्रॉस की वजह से ऑप्शन नंबर गलत हुआ है और ऑप्शन सी गलत हुआ है अनस्टेबल की वजह से. तो इन तीन स्टेटमेंट में से केवल एक ही ऐसा है जो
above statement से related है, how many of the above are related with the given statement, तो only कौन सा हो जाएगा, B, only B, option number 3, okay, move to the next question, question number 4, select out incorrect statement from the given below option, student, यहाँ पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि silly mistake हो जाती हैं, और उन silly mistake का कारण क्या रहता है, ये चीजें, जब भी क्वेश्चन नेगेटिव अप्रोच से पूछे तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए. अक्सर एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो सत्य की खोज में लगा रहता है, जहां उसे सही ऑप्शन दिखाई देगा उसे ही वो टिक कर देगा. अपने से इनकरेक्ट पूछा है तो थोड़ा से सतर्क हो जाए. ह्यूमन न्यू फ्रॉम अर्ली एज 8000 to 1000 BC बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनसीईआरटी के पैराग्राफ में से बना है ये क्वेश्चन, जेनेटिक्स के फर्स्ट पेज पे ही है ये पैराग्राफ, बात सही है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिनन दे सेलेक्टिवली ब्रीड एंड आर्टिफिशियली सेलेक्ट डोमेस्टिकेटेड वैरायटी फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी. वाइल्ड वैरायटी से इन्होंने डोमेस्टिकेटेड वैरायटी बनाया, किसके द्वारा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा. स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. साहिवाल काउ इन पंजाब इज ऑब्टेंड फ्रॉम वाइल्ड वैरायटी ऑफ काउ. ऑप्शन नंबर सेकंड को ही एक्सप्लेन करने वाला एग्जाम्पल है, थर्ड बात सही है. एंसेस्टर हैड वेरी गुड नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन. यहां पर गौर करना, वेरी गुड नॉलेज नहीं है, वेरी फ्यू नॉलेज था इनको साइंटिफिक बेसिस का. ओके, तो गुड आने की वजह से यहां पर फ्यू आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 हो गया अपना गलत. तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनकरेक्ट अपने से पूछा है, इनकरेक्ट चला जाएगा 4th. Move to the next question. Question number 5. Which of the following not related, highlight कर दीजिए not related को, with the inheritance of one gene. One gene inheritance means monohybrid cross के बारे में बात करना चाह रहे हैं. Only one of the parental trait was expressed in the F1 generation. अपन सभी जानते हैं कि tall plant का cross करवाया जाता है small t से, तो बनने वाला जो F1 जनरेशन है ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है. कहने का मतलब ये टोल बनता है. तो पेरेंट के दो करेक्टर में से टोल का ही करेक्टर कहां आ रहा है F1 जनरेशन में. स्टेटमेंट फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट. इन F2 जनरेशन बोथ दी ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोर्शन 3:1. F2 जनरेशन कैसे ऑब्टेंड होती है, F1 का क्रॉस F1 से करवाने पर. F1 का जब F1 से क्रॉस करवाया जाता है तो चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा आप इसकी पॉसिबिलिटी पता कर सकते हैं प्रोजेनी की, वो अपने को ऑब्टेंड हो जाएगी कैपिटल टी, दो प्लांट आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक प्लांट आएगा स्मॉल टी. कहने का मतलब तीन प्लांट तो आ गए टॉल और एक प्लांट आ गया अपने पास में ड्वार्फ. तो दोनों ट्रेट किस रेशियो में ऑब्टेंड हुए हैं, 3:1 में. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस एज 25% इन टोटल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन के टोटल जो प्लांट हैं उनमें रिसेसिव 25% के रूप में है. टोटल 4 प्लांट हैं, 4 में से एक रिसेसिव आ रहा है, मींस 25% के रूप में ऑब्टेंड हो रहा है. ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट F1 जनरेशन. एग्जैक्टली ठीक बात है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, बट ब्लेंड इन F2 जनरेशन. थोड़ा सा गौर करना है, यहां पर एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट F1 और F2 जनरेशन. किसी भी जनरेशन में ब्लेंड नहीं करता है, लेकिन यहां पर लिखा है कि ब्लेंड हो जाता है, इसका मतलब इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग. अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी of all possible genotype of offspring in a genetic cross. एक genetic cross में graphical representation के द्वारा progeny की probability पता करने के लिए जो method काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आप सभी जानते हैं उसको Punnett square कहते हैं. क्योंकि possible gamete क्या बनेंगे उसके लिए fork line method काम में लिया जाता है. linkage map क्रोमोजोम पर जीन के sequence को पता करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है. हिस्टोग्राम इससे रिलेटेड टर्म नहीं है. तो Punnett स्क्वायर अपना आंसर चला जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 3rd. लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 1:2:1 इन F2 स्टेज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल
टू फॉर्म द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली फिर एनसीईआरटी का ही एक स्टेटमेंट है, और ये जो रेशियो ऑब्टेंड होता है एफ टू जनरेशन में, ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर कहलाता है। ओके, एनसीईआरटी में इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर इसका चला जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट इज हिट्रोजाइगोसिटी इन एफ फोर जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एफ फोर जनरेशन में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप देखें, टीटी का क्रॉस जैसे करवाया टीटी से, एफ वन जनरेशन अपने को ऑब्टेंड हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या कहलाती है? एफ वन जनरेशन कहलाती है। ओके, अब यहां से थोड़ा निष्कर्ष अपन निकालते हैं। एफ वन जनरेशन में होमो जाइगोसिटी, अपने से क्या पूछा है? हेट्रोजाइगोसिटी पूछी है। होमोजाइगोसिटी कितनी होगी, हेट्रोजाइगोसिटी कितनी होगी? तो आप देखें इस क्रॉस में एफ वन इंडिविजुअल सारे के सारे हेट्रोजाइगस आ रहे हैं, इसका मतलब हेट्रोजाइगोसिटी आएगी अपनी 100% और होमोजाइगोसिटी आएगी अपनी 0%। यही एफ वन का एफ वन से क्रॉस सेल्फिंग जब होती है तो एफ टू जनरेशन में 50% पेरेंट प्रोजेनी जो आएंगी वो तो आती हैं हेट्रोजाइगस, और 50% आती हैं होमोजाइगस। कहने का मतलब हेट्रोजाइगस कन्वर्टेड टू 50% जनरेशन कौन सी कहलाएगी बच्चों? एफ टू। एफ थ्री जनरेशन की बात करें फिर ये हाफ हो जाएगा, 50 का हाफ 50% 25, कहने का मतलब 25% रह जाएगी एफ थ्री जनरेशन में। एफ फोर जनरेशन की अगर बात करें तो एफ फोर जनरेशन में इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना? 12.5%। पूछा क्या है अपने से? हेट्रोजाइगोसिटी इन एफ फोर जनरेशन। एफ फोर जनरेशन में हेट्रोजाइगोसिटी अपने पास आ जाती है 12.5%। तो अपना आंसर चला जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर फोर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन। हाउ मेनी सेल्फिंग आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 75% होमोजाइगोसिटी। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने देखा है उसी के ऊपर बेस्ड ये है, उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन पूछी थी, यहां पर होमोजाइगस के लिए पूछ रहा है, और लेकिन पूछ क्या रहा है? कितनी सेल्फिंग जरूरी है। तो अभी अपन ने देखा था एफ वन जनरेशन में होमोजाइगोसिटी की अगर बात करें तो होमोजाइगोसिटी कितनी थी? 0%। एफ टू जनरेशन में जब मूव करेंगे होमोजाइगोसिटी 50% हो जाएगी। एफ थ्री जनरेशन में मूव करेंगे होमोजाइगोसिटी अगेन 50% इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन 50 का 50% इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 25 और एड हो जाएगा इसमें, ये 75% हो जाएगी। पूछा क्या है अपने से? 75% होमोजाइगोसिटी प्राप्त करने के लिए कितनी सेल्फिंग जरूरी है? तो एफ वन की सेल्फिंग करवाई तब एफ टू आया सेल्फिंग वन, एफ टू की सेल्फिंग करवाई तब एफ थ्री आया सेल्फिंग टू, मीन्स टू सेल्फिंग आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 75% होमोजाइगोसिटी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अपना आंसर चला जाएगा टू, ऑप्शन नंबर वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन परफॉर्मिंग ए टेस्ट क्रॉस अननोन फ्लावर इज इंटरप्रिटेड एज होमोजाइगस डोमिनेंट। टेस्ट क्रॉस इसीलिए परफॉर्म करवाया जाता है कि जो अननोन इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अपने को क्वेश्चन में ही दे दिया है कि टेस्ट क्रॉस के रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब हाइट को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट का केस बनता है। यहां पर सिंबल क्या काम में लिया है? डब्ल्यू काम में लिया है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट अपना बन जाएगा ऑप्शन नंबर टू, आंसर चला जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 11। एफ वन रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट और वॉच इन बिटवीन और रिजेंबल्स विद बोथ ऑफ द पेरेंट। सेलेक्ट आउट करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई अबोव फिनोमिना रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में तीन फिनोमिना दिए गए हैं, कौन कौन से हैं देखना। टू पेरेंट रिजेंबल्स आइदर ऑफ द टू पेरेंट, दूसरा है इन बिटवीन, और तीसरा है रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट। दोनों पेरेंट के में से किसी एक से रिजेंबल करता है तो ये तो डोमिनेंस ही कहलाता है। दोनों के बीच अगर रिप्रेजेंट करता है तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, और रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट दोनों ही एक्सप्रेस कर जाएं अपने आप को, ये क्या कहलाती है? कोडोमिनेंस कंडीशन कहलाती है। अपनी सीक्वेंस बनेगी डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस,
आप इसमें देखें डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ स्टार्च ग्रेन शेप इज कंसिडर्ड, गौर करना इस वर्ड पे, स्टार्च ग्रेन की शेप की बात हो रही है, एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शोज, क्या दर्शाती है। अगर स्टार्च ग्रेन की शेप की मैं बात करूं तो स्टार्च ग्रेन की शेप हो जाती है राउंड और रिंकल। ओके, तो दो ही करेक्टर अपने को ऑप्टेंड होंगे इस वाले केस में, शेप राउंड या रिंकल्ड आएगी। राउंड के लिए जो जीनोटाइप बनेगा ये भी राउंड है, और दूसरा ये कंडीशन भी राउंड कहलाती है, और ये कंडीशन रिसेसिव रिंकल्ड कंडीशन बन जाएगी। कहने का मतलब ये जो फॉर्म आ रही है, इस फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बी इज डोमिनेट ओवर दी स्मॉल बी, मीन्स ये कौन सा नियम दर्शाता है, कौन सा लॉ दर्शाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आंसर नंबर 3 चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय, सीधा आंसर है शूटन एंड बोवरी ने ऐसा किया था। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 14, फीमेल ड्रोसोफिला इज इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पर देखा जा सकता है। फीमेल बॉडी जो है वो लार्जेस्ट साइज की होती है, किससे, मेल बॉडी से, और फीमेल में ओविपोजिटर की प्रेजेंस देखी जाती है, मीन्स फीमेल लार्ज होगी और ओविपोजिटर पाया जाएगा। अगर इन ऑप्शन में से आप देखें तो पहला लार्ज साइज लेकिन विदाउट ओविपोजिटर, नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 4 में देखें लार्ज साइज फीमेल विद ओविपोजिटर, ये बात सही है, ये वो करेक्टर है जिसके कारण फीमेल ड्रोसोफिला डिफर होती है किससे, मेल ड्रोसोफिला से। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एल्बिनिज्म द टोटल लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट इज ड्यू टू, किसके कारण है, रिसेसिव जीन ए के कारण, एक नॉर्मल मैन एंड ए नॉर्मल वुमेन बोथ ऑफ वूम हैड वन एल्बिनो पेरेंट, इस मैन के भी एक पेरेंट एल्बिनिक है, इस फीमेल के भी एक पेरेंट एल्बिनिक है। नेक्स्ट मैरिज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव एन एल्बिनो चाइल्ड, एल्बिनो चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो अपन मैन और वुमेन के लिए सिंबल काम में ले लेते हैं, ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया, कैसे हैं ये नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल कंडीशन कैसी बनेगी, एल्बिनिक नहीं हो तो एल्बिनिक नहीं होने की कंडीशन या तो ये या फिर ये है, इधर भी फीमेल भी नॉर्मल है तो कंडीशन ये है या फिर ये है। लेकिन अगली बात दी है, इस मैन और वुमेन दोनों के एक पेरेंट क्या है, एल्बिनिक है, मीन्स इसके पास एक पेरेंट एल्बिनिक था तो नो डाउट यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी स्मॉल ए आने की। ओके, और अगर इधर बात करें एल्बिनिक कंडीशन, ये भी एक एल्बिनिक पेरेंट है इसके पास, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल ए आने की, मीन्स ये जीनोटाइप नहीं बनेगा, तो जीनोटाइप अपने पास ये हो जाएंगे। ये एक्चुअल में देखें तो F1 का क्रॉस F1 से है, क्या प्रोड्यूस्ड होगा अपने पास में, एक ऐसा आएगा इंडिविजुअल प्रोजेनी के रूप में, दो इंडिविजुअल ऐसे आएंगे, एक इंडिविजुअल ऐसा आएगा। एल्बिनिक पूछ रहा है अपने से एल्बिनो चाइल्ड कितना होगा, ये एल्बिनिक नहीं है, ये एल्बिनिक नहीं है, ये एल्बिनिक है, चार में से एक, तो 1 out of 4 25% प्रोबेबिलिटी बनती है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा आंसर इसका। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्च ग्रेन पी प्लांट विद बीबी इज लार्जर वाइल बीबी इज स्मॉलर, देन ऑन क्रॉसिंग बीबी विद स्मॉल बीबी द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाई ऑप्टेन, कौन सा, कैपिटल बी स्मॉल बी, विल बी, ये कैसा होगा। यहाँ पर बात हो रही है इसकी शेप एंड साइज, दो करेक्टर अपन ने देखे थे। ओके, तो यहाँ पर शेप की बात नहीं हो रही है, साइज की बात हो रही है, ये जो इंडिविजुअल आएगा ये कैसा आएगा, इंटरमीडिएट साइज का, इंटरमीडिएट इंडिविजुअल आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का हो जाएगा, और इंटरमीडिएट जो केस होता है उसमें अपन किसकी बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। कहने का मतलब ये कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं है, तो आंसर चला जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए मैन ब्राउन आइज आर डोमिनेट ओवर दी ब्लू आइज एंड डार्क हेयर डोमिनेट ओवर दी रेड हेयर,
A man with brown eye and red hair marries a woman with blue eye and dark hair. They got two children, one resembling the man and other woman. थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको अपन. A man with brown eye and red hair. Brown eye and red hair का मतलब हो गया ब्राउन के लिए क्या था, कैपिटल बी. ब्राउन हाई एंड रेड हेयर, रेड के लिए अपने पास में क्या है, स्मॉल डी, स्मॉल डी. मैरिज हुई है किसके साथ में, वुमेन विद ब्लू आइज, ब्लू आइज के लिए स्मॉल बी ओके. एंड डार्क हेयर, डार्क हेयर के लिए क्या बोलेंगे अपन, कैपिटल डी, कैपिटल डी. अब अगर पेरेंट का जीनोटाइप ये रहता है तो यहां जो प्रोजेनी बनेंगी, इसको मोनोहाइब्रिड में मैं कन्वर्ट करूं, इसका क्रॉस इससे अगर होता है तो सभी प्रोजेनी में कैपिटल बी जाएगा, सभी प्रोजेनी में कैपिटल बी जाएगा, इसका मतलब ब्राउन आई कलर वाले प्रोजेनी बनेंगी. लेकिन अपने को आगे दे रखा है टू चिल्ड्रन है, एक रिजेंबल कर रहा है मैन से, अनदर रिजेंबल कर रहा है वुमेन से. इसका मतलब है एक में अपने पास ब्राउन आई भी आएंगी और एक में अपने पास ब्लू आई भी आएंगी, तो पॉसिबिलिटी फिर ये नहीं बनेगी. स्मॉल डी का मतलब था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड हेयर, तो ये तो रिसेसिव कंडीशन है, नो डाउट ऐसी ही रहेगी. स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, तो ये भी रिमेन अनचेंज्ड रहेगी. लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों करेक्टर की बने उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्म नहीं आकर कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी, तो अपना जो जीनोटाइप बनेगा वो जीनोटाइप अब क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल डी और यहाँ पर अगर बात करें तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी. यहाँ पर अगर बात करें अपन तो पॉसिबिलिटी अपने पास क्या बन गई, स्मॉल बी रिमेन अनचेंज्ड, ये वाली कंडीशन जो है ये इसके द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगी. तो अपने पास कंडीशन बन गई स्मॉल बी कैपिटल डी और स्मॉल डी. तो जीनोटाइप इस प्रकार का कहाँ ऑब्टेंड हो रहा है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल डी ये वाला ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल बी, ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ए मैन हैविंग द जीनोटाइप आपको बता रखा है प्रोड्यूसेज पी नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट एंड ए वुमेन ऑफ जीनोटाइप आपको बता रखा है क्यू नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एग, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. तो गैमेट के लिए अपने को पहले हेटरोजाइगस कंडीशन देखनी पड़ेगी, इनके लिए हेटरोजाइगस यहाँ पर देखें कितने हैं, दो, और इस वाले जीनोटाइप में अगर देखें एक हेटरोजाइगस दो हेटरोजाइगस, इसका मतलब इसके लिए एन बराबर कितना आ जाएगा, टू, और यहाँ पर एन बराबर कितना आ जाएगा, थ्री. कहने का मतलब स्पर्म की अगर बात करें, स्पर्म के लिए कंडीशन लग जाएगी टू की पावर एन, और एग के लिए अगर बात करें, ओवा के लिए अगर बात की जाए तो टू की पावर एन. यहाँ पर टू की पावर एन, टू की पावर टू, यहाँ पर टू की पावर थ्री, ये तो कितना आ जाएगा, फोर, और ये कितना आ जाएगा, एट. कहने का मतलब स्पर्म को डिनोट किया है पी से, तो पी आ गया अपने पास में फोर, और एग को डिनोट किया है क्यू से, क्यू आ गया एट, पी फोर क्यू एट. ऑप्शन आप चेक करें, ऑप्शन नंबर टू जो है वो मैच कर रहा है इस. ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैनी जीन से कंडक्टिंग इनहेरिटेंस, इट इन्वॉल्व मल्टीपल जीन, बिल्कुल इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है. ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल अफेक्ट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे. ऑप्शन नंबर टू इज ऑल्सो करेक्ट. ह्यूमन स्किन कलर इज क्लासिकल एग्जाम्पल, बिल्कुल पता है ह्यूमन स्किन कलर जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट टाइप का मुलेटो फॉर्म. थ्री जीन कंट्रोल दी स्किन कलर इन ह्यूमन, ये बात भी ठीक है. कहने का मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए बी सी डी आर करेक्ट. ओके, ऑप्शन नंबर फोर. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. इन ड्रोसोफिला टू रिसेसिव जीन, ये क्वेश्चन आपको बता रखा है. वाइल्ड टाइप मिनिएचर विंग कॉन्ट्रास्ट टू देयर वाइल्ड टाइप विच रिजल्ट फ्रॉम द डोमिनेंट एलील, द रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन हिट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप, ये क्रॉस करवाने के रिजल्टेंट अपने पास आ गए. इन द टर्म ऑफ क्रॉस ओवर यूनिट्स हाउ फार ए पार्ट दीज टू जीन ऑन द क्रोमोजोम, डिस्टेंस पूछ रहा है दो जीन के बीच में, दो जीन के बीच में डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली आप याद रखें
जितना रिकॉम्बिनेंट बनेगा उतना ही सेंटीमोर्गन डिस्टेंस हो जाएगी। यहां पर अपने को पता है मोर क्या बनता है, 50% से ज्यादा क्या बनता है पेरेंटल टाइप, 50% से कम क्या बनता है रिकॉम्बिनेंट टाइप। यहां पर ये दोनों फॉर्म रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गई। टोटलिंग की अगर बात करूं तो ये कितना हो गया 12.6%। 12.6% मैंने कहा था जितना रिकॉम्बिनेंट बनेगा उतना ही सेंटीमोर्गन डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए आप 12.6 सेंटीमोर्गन, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, जीन पेयर आपको बता रखा है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बता रखी है, अपने को इसका जीन मैप बनाना है। ओके, यहां पर थोड़ा सा आप गौर करें, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं ये ओलंपियाड 2020 का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी 50% 50% 50% मींस ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाएंगे। ओके, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो फिर अपने को लिंकेज मैप इन तीनों का डिसाइड करना है और उसके रेस्पेक्ट में फिर इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। लिंकेज मैप का पहला रूल होता है जो सबसे फार लोकेटेड है उसको आप क्या करें, मेंशन कर दें। सबसे फार लोकेटेड कौन सा है, 22 ए और डी, ये ए बन गया ये डी बन गया। डिस्टेंस कितनी आ गई इनके बीच में, 22 सेंटीमोर्गन। 22 के बाद नेक्स्ट आएगा अपना 15 सी और डी, इसका मतलब सी इससे रिलेट कर सकता है। 22 का हाफ 11 होता है, अपने को 15 दे रखा है तो नो डाउट सी थोड़ा सा इधर की ओर मूव कर जाएगा, ये सी बन जाएगा। सी और डी के बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई बच्चों, 15। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप देखें ये टोटल कितना है 22, ये 15, तो ये कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। एसी आप देखें 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मीन्स लिंकेज मैप अपना सही बना है। सिक्वेंस बनेगा ए सी डी। अब ए सी डी का सिक्वेंस देखें इसमें कहाँ है, सी ए सी डी, यहां पर ए सी डी ये वाला सीक्वेंस। ओके, अब बी क्यों इंक्लूड किया गया है, बी इसी क्रोमोजोम पर फार लोकेटेड हो सकता है, कहने का मतलब लिंकेज नहीं दर्शा रहा है, तो ए बी का 50% अपने को ये वाला कंसीडर करना है। बाकी में आप कहीं भी देखें अपने को ए सी डी सीक्वेंस नहीं मिलेगी, यहां पर डी ए सी मिल रहा है, यहां पर डी ए बी मिल रहा है, और लास्ट वाले की बात करूं फिर से डी ए सी की बात हो रही है। ओके, मीन्स अपने को सीक्वेंस ये ए सी डी जो ऑप्टेंड हो रही है ऑप्शन नंबर 1 में, तो करेक्ट आंसर इज 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 22। विच इज इनकरेक्ट अबाउट दी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक क्वांटिटेटिव ये इनहेरिटेंस टाइप का एग्जाम्पल बनता है, इसमें वन ऑफ द ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। एनसीईआरटी में इसके रेस्पेक्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें एक चीज़ ये भी है कि सिंथेसिस अगर नहीं होगा हीमोग्लोबिन चेन का तो ये एक कारण बनता है एनीमिक कंडीशन का। और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बीच में डिफरेंस की भी बात हुई है, मेजर डिफरेंस है थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव टाइप का इनहेरिटेंस है और वो सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव टाइप का, वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो है इनहेरिटेंस देखा जाता है, यहाँ पर बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब देखें स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग इन विच बोथ द पेरेंट आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। तो अपने को पता है कि अनअफेक्टेड कैरियर कब होंगे, रिसेसिव है, रिसेसिव कंडीशन मतलब दोनों पेरेंट ऐसे होंगे तब जाकर इंडिविजुअल कैसा बनेगा, ये बनेगा थैलेसीमिक रिप्रेजेंट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड रेट हो जाती है, सिंथेसिस नहीं हो पाता है वन ऑफ द ग्लोबिन चेन का, इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव टाइप का क्वांटिटेटिव टाइप का इनहेरिटेंस जो है वो दर्शाता है। ओके, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन टू एनीमिया विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज। ये अभी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट के रूप में बताया था, एनीमिया इसकी वजह से लीड होता है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स थैलेसीमिया इज ए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। गौर करना बच्चों, अभी शुरुआत से अपनी यही बात चली आ रही है, थैलेसीमिया क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। और आगे भी अगर बात करेंगे तो सिकल सेल एनीमिया को क्वांटिटेटिव बता रखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, रॉन्ग। अपने को इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके,
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन ए पॉपुलेशन एन ए स्मॉल आर द नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ एलील ए। ए एलील के लिए इंडिविजुअल के नंबर की बात कर रहा है यहां पर, एंड स्मॉल ए रेस्पेक्टिवली एंड एन ए ए जो हेटरोजाइगस कंडीशन है इज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड स्मॉल ए इन ए पॉपुलेशन विद नंबर इंडिविजुअल का, ये आपको बता रखा है। ये हर्डी विनबर्ग जो लॉ है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें आपको इंडिविजुअल का नंबर दे रखा है, टोटल इंडिविजुअल में से उसकी फ्रीक्वेंसी आप पता कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ए ए इंडिविजुअल 45 बता रखे हैं, टोटलिटी की अगर बात करूं तो 45 35, ये हो जाते हैं 80 और 20 100। मीन्स 100 में से 45 इंडिविजुअल कैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट ए वाले। तो ये जो है ये अपनी फ्रीक्वेंसी आती है 0.45। ये बच्चों किसके लिए आई है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी आती है 0.45, ये आ गई ए ए इंडिविजुअल के लिए। ओके, ऐसे ही अगर अपन बात करें हेटरोजाइगस केस में एन ए, ये आ रहा है अपने पास में 20 आउट ऑफ कितने में से 100 में से, ये आ जाएगा 0.20। लेकिन 0.20 बच्चों किसके लिए आ रहा है, हेटरोजाइगस फॉर्म इसके लिए आ रहा है। कहने का मतलब 0.10 कैपिटल ए का होगा, 0.10 स्मॉल ए का होगा। ओके, तो कैपिटल ए के लिए बोलूं तो होमोजाइगस कंडीशन में 0.45 अपने पास आ गया था, 0.10 इसमें और ऐड करना है। कहने का मतलब कैपिटल ए के लिए कितना आ जाएगा अपने पास में 0.55। ओके, अपन हेटरोजाइगस कंडीशन की अगर बात करें तो हेटरोजाइगस कंडीशन के लिए अपने पूछा नहीं है, यहां पर स्मॉल ए की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल ए होमोजाइगस के लिए नंबर कितना दिया हुआ है इंडिविजुअल का, वो देख लें आप 35। लेकिन 35 बच्चों किस में से है, 100 में से है, तो ये कितना आ जाएगा 0.35। और थोड़ा सा गौर करें इस बात को, यहां पर अपने 0.10 कैपिटल ए को दिया था तो 0.10 स्मॉल ए को भी हो जाएगा, तो ये 0.10 इसका आ जाएगा, स्मॉल ए की बन जाती है 0.45। ओके, तो अपना आंसर बन जाएगा ए के लिए, कैपिटल ए के लिए, स्मॉल ए के लिए, कैपिटल ए के लिए 0.55, स्मॉल ए के लिए 0.45। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गर्ल एंड 2 बॉय इन ए फैमिली आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन। ऐसा प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखें, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स वन मल्टीप्लाई क्यू की पावर एक्स टू। यहाँ पर एन जो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है फैमिली में, एक्स वन जो है नंबर ऑफ बॉय हैं, एक्स टू नंबर ऑफ गर्ल हैं, पी की पावर एक्स वन को अपने बॉय बोला था, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है किसी भी जनरेशन में, तो 1/2 की पावर जितने बॉय दिए हैं वो आ जाएंगे। क्यू का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल है, वो भी 1/2 होती है, 1/2 की पावर नंबर ऑफ गर्ल आ जाएंगी। यहाँ पर एन की बात करें तो एन अपने पास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो 6 हैं, 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 6 का फैक्टोरियल हो गया। एक्स वन नंबर ऑफ बॉय बोला है कितने हैं, 2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। एक्स टू नंबर ऑफ गर्ल कितनी है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ये है 1/2 की पावर, नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 1/2, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट 4। इसको जब सॉल्व करें तो ये अपने पास में आता है, ये इससे कट गया, ये इससे चला गया 3 times, ओके, 2 3 times चला गया, ये बच गया 5 × 3 = 15। यहाँ पर सॉल्व करें 1/2 की पावर 2 × 1/4 आ जाएगा, और 2 × 4 × 8 और 16, 1/16 इक्वलाइज करें
तो 16 फोर जा होते हैं 64, आंसर आ जाएगा अपना 15/64। ओके, तो ऑप्शन में से चूज कर लें आप 15/64, दिस वन आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी जीन जो हैं वो लिंक्ड हैं। इफ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट एंड द एफ वन इज क्रॉस्ड टू द रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस किया जाता है। एफ वन की क्रॉसिंग रिसेसिव से टेस्ट क्रॉस की ये बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी में से दिए गए ऑप्शन में से क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यहां बता रखे हैं जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी जीन जो हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। कहने का मतलब लिंक्ड दो केस बन सकते हैं, एक तो बनेगा कंप्लीट लिंकेज, एक बनेगा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज की अगर बात आएगी तो गैमेट बनेंगे दो ही प्रकार के, इनकम्प्लीट लिंकेज में प्रोबेबिलिटी बनती है 4 प्रकार के गैमेट की। आप जब इन ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गैमेट 4 बन रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक हिडन चीज क्या है कि ये जो लिंकेज बता रखा है 4 प्रकार के गैमेट बना रहा है, तो इनकम्प्लीट टाइप का ये लिंकेज पाया जा रहा है। ओके, यहां पर फाइंड अपने को क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी में क्या अपने को एक्सपेक्ट होगा। एफ वन का क्रॉस किससे करवाया है, रिसेसिव से। एफ वन इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल ए और बी जीन के लिए है, तो ए और बी जीन के लिए अपने को ए ए और बी बी नॉर्मली ये कंडीशन मिलेगी। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर बात करें तो ये कैसा पाया जाएगा, ए बी ऑब्लिक ए बी, ये कंडीशन मिलेगी। क्रॉस किससे करवा रहे हैं, रिसेसिव से, ए बी ऑब्लिक स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, ये क्रॉस अपने को बताया गया क्वेश्चन में। यहां से 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। 4 प्रकार के गैमेट बनाने के लिए एज इट इज दोनों किनारों पे इन गैमेट को रख दें आप, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब प्रोबेबिलिटी ए के साथ क्या आ जाए, स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाए, और दूसरी प्रोबेबिलिटी कैपिटल बी के साथ क्या आ जाए, स्मॉल ए। ओके, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट बने हैं, ये पेरेंटल टाइप के गैमेट बने हैं, यहां से गैमेट बनेगा एक ही टाइप का, दिस वन। ओके, ये जो दोनों केस हैं स्मॉल ए बी उधर से अगर क्रॉस हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इन सब का क्रॉस हो रहा है इस वाले गैमेट के साथ में, तो यहां बनेगा ए बी ऑब्लिक स्मॉल ए बी, ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल बी स्मॉल ए ऑब्लिक स्मॉल ए बी, और यहां बनेगा ए बी ऑब्लिक ए बी। आप सभी जानते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में 50% से ज्यादा पेरेंटल टाइप बनता है। पेरेंटल टाइप कौन सा है, दिस वन। देखें आप पेरेंटल टाइप कौन सा है, दिस वन। ओके, तो 50% से ज्यादा ये बनेंगे तो प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी। अब ऑप्शन में आप देखें कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी ये जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, तो बात क्या है, गलत। नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल बनेगी नहीं इनकम्प्लीट लिंकेज में, बात वैसे गलत होगी। कैपिटल ए और बी, ए और बी एंड स्मॉल ए बी एंड ए बी ए बी, ये वाला केस मतलब दोनों पेरेंटल टाइप जो हैं वो मोर फ्रीक्वेंट होंगे बजाय किसके, रिकॉम्बिनेंट टाइप के। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करें ए बी ए बी प्लस ए बी ए बी, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए किसके साथ में, ये वाला और ये वाला, इनको ऐड किया जाए विल नॉट बी इक्वल टू ए बी एंड ए बी। अपने को पता है ये तो इक्वल आएंगे दोनों ही, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत। तो अपना आंसर चला जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉसिंग ओवर इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जरूरी है। रिलीज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अपने को पता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएशंस आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ द लिंकेज मैप, उसके लिए भी जरूरी है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि उससे आइडिया होता है अपने को कि जीन की पोजीशन कहाँ होगी। प्रिजर्विंग अडेप्टेड जीन कॉम्प्लेक्सेज, जीन कॉम्प्लेक्सेज जो अडेप्टेड टाइप के हैं उनको प्रिजर्व करने में मदद करता है क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के कारण प्रिजर्व नहीं होता है, चांसेज ऑफ न्यू वेरिएशन बढ़ते हैं। अवॉइडिंग लिंकेज ड्रैग, लिंकेज ड्रैग होने की संभावना को अवॉइड करता है, बात क्या है, सही। इसका मतलब
करेक्ट पूछ रहा है अपने से, तो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। ओके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द जीन कंट्रोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट शोज मल्टीपल एलिलिज्म, कौन मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट, अपने को पता है टोबेको में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये एग्जाम्पल बनती है किसका, मल्टीपल एलिलिज्म का। ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का, तीन एलील के द्वारा कंट्रोल्ड है। कोट कलर इन रैबिट, ये भी एग्जाम्पल है वो हिमालयन अगाउटी चिंचिला वगैरह, तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। सीड कलर इन व्हीट, ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, तो अपने से यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, मोर लाइकली टू प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। अब मोर लाइकली ज्यादा चांस किस में होंगे, तो ट्रांजिशन में अगर बात करें तो अपने को पता है प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से हो जाए, पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से हो जाए, ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांसवर्जन, प्यूरिन का पायरिमिडिन से हो जाए या पायरिमिडिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो जाए, तो ये ट्रांसवर्जन कहलाता है। एडिशन ऑफ टू नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन बेस अगर ऐड हो जाए एक सीक्वेंस में, एडिशन ऑफ 6 नाइट्रोजन बेस, तो इसमें मैक्सिमम चांस कहां बनेंगे नॉन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट के, जहां फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। ओके तो ट्रांजिशन में अगर बात करें तो एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हो रहा है तो कम चांस है, यहां भी 1 नाइट्रोजन बेस है, एडिशन ऑफ 6 नाइट्रोजन बेस, 6 नाइट्रोजन बेस अगर ऐड होते हैं तो मैक्सिमम 2 ही कोडोन होंगे, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन एडिशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेस, अगर किसी स्ट्रैंड पर 2 नाइट्रोजन बेस बाहर से आकर ऐड हो गए, तो जिस पॉइंट पर एडिशन हुआ है उसके आगे वाली पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बनता है। तो आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो जीन इनहेरिट होगी वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगी, इसको अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके तो रेसिप्रोकल क्रॉस शोज मार्क डिफरेंस, रेसिप्रोकल क्रॉस अगर करवाया जाता है तो अपने को स्पष्ट रूप से जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज रेसिप्रोकल क्रॉस होने पर अगर फीमेल में वो करेक्टर नहीं पाया जा रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जा रहा है, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं देखा जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होने पर देखा जाएगा डिफरेंस। सही बात है। इन जनरल F2 F3 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन डू नॉट शो सेग्रीगेशन फॉर दिस ट्रेट इनहेरिटेंस, एक चांस बनता है कि F2 और F3 जनरेशन में इस करेक्टर का इनहेरिटेंस नहीं हो, ये बात भी क्या है, सही है। प्लाज्मा जीन आर इन्वॉल्व इन दिस इनहेरिटेंस, बिल्कुल ठीक बात है, प्लाज्मा जीन जो है वो शामिल होंगी। जीन फॉर दीज ट्रेट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, बिल्कुल ठीक बात है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफ स्प्रिंग विच हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप एज दैट ऑफ द अबव मेंशन्ड चाइल्ड। मीन्स एक फादर है, मदर, फादर के ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप है ए, मदर के ब्लड ग्रुप की बात करें ब्लड ग्रुप है बी, इनके एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, ओ चाइल्ड का मतलब हो गया इनकी एलिलिक फॉर्म I0 ये फॉर्म बनेगी। तो एक और चीज क्लियर है यहाँ से कि I0 मेल से भी इनहेरिट हुआ है, फीमेल से भी इनहेरिट हुआ है, तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या बनेगा, IA I0 यहाँ पर बनेगा, IB I0। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो और चाइल्ड बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लड ग्रुप की, लेकिन किसकी छोड़कर, ओ ब्लड ग्रुप की छोड़कर, इसका मतलब यहां एक प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी एक साथ आ जाएं तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB, यहां एक प्रोबेबिलिटी है कि ए और I0 एक साथ आ जाएं तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए, ओके यहां एक प्रोबेबिलिटी है कि I0 और IB एक साथ आ जाए तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा B, और अगली जो प्रोबेबिलिटी है वो I0 के साथ है लेकिन वो अपने को बतानी नहीं है, तो तीन प्रोबेबिलिटी अदर चाइल्ड में बनेंगी AB एंड AB, लेट्स सर्च AB एंड AB, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू हिटरोजाइगस पेरेंट आर क्रॉस्ड इफ द टू लोकाई आर कंप्लीटली लिंक्ड,
then what would be distribution of genotypic feature in F1 generation of a dihybrid cross? दो हिट्रोजाइगस पेरेंट ही हिट्रोजाइगस दे दिए, प्योर फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा गौर करना है यहां पर। क्रॉसिंग करवाई जाती है और इन जीन के बीच क्या पाया जा रहा है, कंप्लीट लिंकेज पाया जा रहे हैं। कहने का मतलब पेरेंट के लिए जीनोटाइप क्या बना होगा, ए बी स्मॉल ए बी, और दूसरा पेरेंट भी सिमिलर होगा, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी। ओके, यहां अगर गैमिट की बात करूं, कंप्लीट लिंकेज है, केवल टू टाइप के गैमिट बनेंगे, ए बी स्मॉल ए बी। यहां अगर बात करें कैपिटल फॉर्म ए बी। चेकर बोर्ड मेथड से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन, तो अपने पास जो पॉसिबिलिटी आएगी प्रोजेनी की वो क्या आएगी, देखें आप, ए बी ए बी ए बी स्मॉल ए बी ए बी ए बी एंड स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी। मीन्स ओनली ए बी एंड ए बी टाइप का इंडिविजुअल बनेगा, ये और ये नहीं, तीन टाइप के इंडिविजुअल बन रहे हैं। दूसरे में देखें दो ही टाइप के हैं, तीसरे में देखें दो ही टाइप के हैं, इसमें देखें एक इंडिविजुअल ये बनेगा, बन रहा है, दो इंडिविजुअल ये जीनोटाइप के बनेंगे, दोनों बन रहे हैं, और एक इंडिविजुअल ऐसा बनेगा जो यहाँ पर दिखाया जा चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोटिपिक फीचर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड हिट्रोजाइगस मेल फॉर ए सिंगल लोकस। सिंगल लोकस का मतलब ये मोनोहाइब्रिड के रेस्पेक्ट में अपने को देखना है। ओके, फिनोटिपिक फीचर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल एंड हिट्रोजाइगस मेल। होमोजाइगस फीमेल है, सपोज करें होमोजाइगस फीमेल ये वाला केस है, और हिट्रोजाइगस मेल है तो ये वाला केस बन गया। ओके, होमोजाइगस फीमेल ये भी हो सकती है, और यहां पर हेट्रोजाइगस फॉर्म केवल ये बनेगी। तो दोनों ही केसेज में आप जब सर्च करेंगे तो यहां पर 50% तो इंडिविजुअल कैसे बनेंगे, कैपिटल ए वाले, और 50% ही इंडिविजुअल कैसे बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। अगर यहां बात करेंगे तो चेकरबोर्ड मेथड से निकालें, 50% इंडिविजुअल बनेंगे दिस वन एंड 50% बनेंगे रिसेसिव टाइप के। इसका मतलब चाहे फीमेल को होमोजाइगस माने या फीमेल को होमोजाइगस रिसेसिव माने, डोमिनेंट या रिसेसिवनेस का यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, दो प्रकार के इंडिविजुअल बनने हैं 50-50%। तो 50% होमोजाइगस 50% हिट्रोजाइगस। यहां अगर बात करें तो 50% होमोजाइगस ही है, 50% हिट्रोजाइगस ही है। यहां अगर बात की जाए तो 50% होमोजाइगस ये बन जाएगा, 50% हिट्रोजाइगस दिस वन बन जाएगा। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें होते हैं 8। ओके, एक्सप्रेशन होता है 6 ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला अपने को बताया गया है। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम आर नॉट होमोलोगस, मीन्स होमोलोगस केस कहाँ पे बनेगा, ऑटोसोम में। तो ऑटोसोम में कितने पेयर हैं, 3 पेयर ऑटोसोम, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रोहित शर्मा हैज 2 डॉटर, हिज ग्रांड मदर ब्लेम्ड रोहित वाइफ फॉर बियरिंग ओनली डॉटर्स एंड नो सन। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्विंस द ग्रांड मदर दैट रोहित्स वाइफ हैव नो रोल इन गिविंग बर्थ टू डॉटर ओनली। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान भी ये स्टेटमेंट सुना होगा, और उसी से रिलेटेड ये है कि अक्सर जो है इंडियन सोसाइटी में फीमेल को ब्लेम्ड किया जाता है केवल बेटियाँ पैदा करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि जो सेक्स है ह्यूमन के केस में वो डिटरमाइंड होता है टाइप ऑफ स्पर्म के द्वारा। एंड्रो स्पर्म मीन्स दैट कैरी वाई क्रोमोजोम, गाइनो स्पर्म दैट कैरी एक्स क्रोमोजोम। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन किस टाइप का स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा, वो प्रोजेनी के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो रोहित की ग्रांड मदर को ये सेटिस्फाई कर दें कि रोहित की जो वाइफ है वही रेस्पॉन्सिबल नहीं है बेटियों को गिव बर्थ करने के लिए। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है, फर्टिलाइजेशन के समय डिसाइड हुआ है सेक्स इंडिविजुअल का। वुमेन आर होमोगेमेटिक, बिल्कुल ठीक बात है,
क्योंकि एक्स एक्स टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, दोनों ही होमोगेमेटिक टाइप के हैं, ठीक बात। मेन आर हिट्रोगेमेटिक, एक्स और वाई दोनों सेक्स क्रोमोजोम डिफर टाइप के होते हैं, करेक्ट। इट इज मैटर ऑफ चांस दैट द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय एन एंड्रोस्पर्म और ए गाइनोस्पर्म। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग को कौन फर्टिलाइज करेगा, एंड्रोस्पर्म या गाइनोस्पर्म? तो ये तो क्या है, एक चांस है, कोई सा भी फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए हर जनरेशन में प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% बेटा पैदा हो, 50% बेटी पैदा हो, तो ये बात भी ठीक है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली वंस इन दिस कपल। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का चांस इवेंट केवल एक ही बार बनेगा, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि कितनी भी बार ये अराइज हो सकता है। तो पांच स्टेटमेंट्स में से फिफ्थ स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है, बाकी के ठीक हैं। तो चार स्टेटमेंट अपने ठीक हैं, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए मेल रैबिट ऑफ जीनोटाइप दे रखा है, इज क्रॉस्ड विद फीमेल रैबिट ऑफ जीनोटाइप, बता रखा है, टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाई दिस F1 हाइब्रिड? इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जो अपने को प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा हेट्रोजाइगस टाइप का, चारों ही जीन के लिए। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना गया यहां पर, 4। और गैमेट के लिए फॉर्मूला अपने को पता है, 2 की पावर n 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 अपने पास आता है 16। तो ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, पूरे सेट में ही चेंज हो जाए। सम इन्वॉल्व चेंज इन सबसेट ऑफ ए क्रोमोजोम, सबसेट ऑफ ए क्रोमोजोम मीन्स क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो रहा है, पूरा सेट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दीज आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड, तो अपने को पता है चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज यूप्लोइडी, मीन्स अपने ऑप्शन में पहले यूप्लोइडी आना चाहिए, तो यूप्लोइडी यहां पर आ रहा है। और दूसरा कह रहा है सबसेट ऑफ क्रोमोजोम, सबसेट ऑफ क्रोमोजोम में चेंज होगा तो वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी इसके ऑप्शन में नहीं है। क्रोमोजोमल एबरेशन, क्रोमोजोमल एबरेशन तो स्टूडेंट आप जानते हो स्ट्रक्चर में चेंज के कारण होता है, तो ये बात तो हो गई गलत। अब चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम तो यूप्लोइडी कहलाता है। यूप्लोइडी में दो केस बनेंगे, या तो सेट जो है वो घट जाए या सेट बढ़ जाए। अगर सेट घटेगा तो इट इज नॉन एज क्या कहलाती है, मोनोप्लोइडी कंडीशन बनती है, और बढ़ जाता है तो ये पॉलीप्लोइडी कंडीशन बनती है। इसका मतलब पॉलीप्लोइडी बात ठीक है इसके लिए। अगली बात है सबसेट ऑफ क्रोमोजोम में अगर चेंज आता है तो इट इज नॉन एज एन्यूप्लोइडी। इसका मीन्स अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑन एमआरएनए रिप्रेजेंट सिकल सेल एनीमिया? एमआरएनए पर चेंज पूछा है, डीएनए पर चेंज नहीं पूछा है। ओके, एमआरएनए पर जो चेंज होगा वो होगा जीएजी जो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जीयूजी फॉर्म में हो जाती है। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जहां आपको बता रखा है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, वहां रिप्रेजेंट किया हुआ है डीएनए का, उससे बनने वाले एमआरएनए का, और उसका जो अफेक्ट आएगा हीमोग्लोबिन पर वो भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब जीएजी इज कन्वर्टेड इंटू जीयूजी, आप ऑप्शन देखें जीएजी इंटू जीयूजी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर? अगर डिसऑर्डर्स की बात की जाए जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो दो टाइप के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है, क्रोमोजोम रिलेटेड डिसऑर्डर कहलाता है। क्रोमोजोम रिलेटेड डिसऑर्डर में आपके आ जाएंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि। ओके, तो सिस्टिक फिब्रोसिस ये मेंडेलियन है, टर्नर सिंड्रोम क्रोमोजोम रिलेटेड है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जेनेटिक डिसऑर्डर है मेंडेलियन, थैलेसीमिया मेंडेलियन है, सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्रोमोजोम रिलेटेड है। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 जो है वो कैटेगरी है किसकी, मेंडेलियन डिसऑर्डर की। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अल्फ्रेड स्टूटिवेंट वॉज द स्टूडेंट ऑफ, तो सबको पता है ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, मॉर्गन जो हैं उनके स्टूडेंट रहे हैं कौन, स्टूटिवेंट, स्टूटिवेंट ही वो स्टूडेंट है मॉर्गन के जिन्होंने लिंकेज मैप को जो है वो डिजाइन किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया है लेकिन उसमें साइज की बात नहीं हुई है, उसमें शेप की बात हुई थी। अगर मैं साइज की बात करूं तो जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप जो पॉसिबल होंगे
यहाँ पर वो ये तीन टाइप के जीनोटाइप बने, ठीक है। साइज में अगर बात करें तो ये वाला जो केस है ये बनेगा लार्ज, ये वाला जो केस है ये कहलाएगा इंटरमीडिएट टाइप का, ये वाला जो केस है ये कहलाएगा स्मॉल। इसका मतलब यहाँ पर साइज की अगर बात की जाए तो ये वाला जो केस बनता है ये किसको बताता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, मीन्स बी इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर दी स्मॉल बी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ इन ए नॉर्मल मेंडेलिय पॉपुलेशन इंडिविजुअल ये दिखा रखे हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी बता रखी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप विल बी, अपने को एलिलिक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसका मतलब ए ए इंडिविजुअल की अगर बात करूं तो ए ए इंडिविजुअल हो जाएगा किसका, 0.9 का होल स्क्वायर। अगर बात करूं किसकी, ए ए इंडिविजुअल की, तो ये हो जाएगा अपना 2 × 0.9 × 0.1। और अगर बात की जाए किसकी, स्मॉल ए इंडिविजुअल की, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ये तो डिटेल में जब क्वेश्चन को किया जाता है तब इस प्रकार से, आप ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन चारों ही में सेम है, सेकंड की अगर बात करें तो चारों में ही सिमिलर है, डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, तो रिसेसिव का निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 0.1 × 0.1/10×10, तो ये तो आएगा अपने पास में 1/100, और इसको जब सोल्व किया जाता है तो बच्चों अपने पास में आ जाएगा 0.01 आएगा स्मॉल ए, स्मॉल ए आप देखें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इन केटल इज एक्सप्रेस्ड एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ये किसी एक सेक्स में ही एक्सप्रेस होता है, दूसरे में इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, हार्मोनल अफेक्ट के कारण ऐसा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एक ही सेक्स में अगर ये प्रेजेंट हो तो इसको सेक्स लिमिटेड ट्रेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अज्यूमिंग दैट द जीन अरेंजमेंट ए बी सी डी ये आपको बता रखा है, ओ इसका सेंट्रोमियर है, इन ए क्रोमोजोम ओरिजिनल अरेंजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, गौर करना बच्चों, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन दो टाइप का है, पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक का मतलब है सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो है जीन का एक्सचेंज होगा, लेकिन पैरासेंट्रिक में किसी एक तरफ ही जो है वो एक्सचेंज देखा जाता है। यहां अगर देखें आप तो ए बी सी डी फॉर्म थी अपने पास में, यहां पर बी सी डी रह गई तो एक इधर चला गया दूसरी ओर, इसका मतलब सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है। ए बी सी डी थी, यहां पर सी सामने की ओर चला गया तो सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है, ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। ए बी सी डी, वहां पर ए बी सी डी था, यहां पर ए बी सी ई, इसका मतलब इसमें भी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, ये आंसर भी नहीं है। यहां पर देखें ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओ ओ, यहां पर एफ किसकी जगह आया, ई, और ई कहां चला गया, एफ की जगह, इसका मतलब आर्म में एक क्रोमोजोमल आर्म की अगर बात की जाए तो सेंट्रोमियर के किसी एक आर्म में ही अगर होता है इन्वर्जन तो इट इज नोन एज पैरासेंट्रिक टाइप ऑफ इन्वर्जन, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ 2x/3a इन ड्रोसोफिला विल गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जेनिक बैलेंस थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जेनिक बैलेंस थ्योरी में अपने को पता है सेक्स क्रोमोजोम का ऑटोसोम के साथ रेशियो को पता किया जाता है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आता है 0.66। 0.5 जो है वो डिनोट करता है मेल इंडिविजुअल को, 1 जो है वो फीमेल इंडिविजुअल को, और 0.5 और 1 के बीच अगर आता है तो ये कहलाता है इंटरसेक्स, और एक से ज्यादा आता है तो ये बन जाती है मेटा फीमेल, 0.5 से कम आने पर ये बन जाता है मेटा मेल, तो अपना आंसर हो जाएगा इंटरसेक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नलीसोमिक आर रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, नलीसोमिक जो कंडीशन है इसमें अपन क्या बात करेंगे, 2n-2, दिस कंडीशन इज नॉन एज नलीसोमिक कंडीशन। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज अननोन, इफ सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट गिव राइज टू 24 टॉल प्योर, 44 हाइब्रिड टॉल, 22
मीन्स रेशियो आ रहा है 1:2:1, और ऐसा रेशियो ऑब्टेंड होता है जब F1 की क्रॉसिंग F1 से हो। F1 की क्रॉसिंग F1 से मीन्स ये वाली क्रॉसिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट हैंडेड पर्सन आर डोमिनेट ओवर द लेफ्ट हैंडेड, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ टू राइट हैंडेड पर्सन इफ दे हैव ए लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड। लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड है, इट मीन्स प्रोजेनी के जो चाइल्ड ऑब्टेंड हुआ है वो इस टाइप का है। इस टाइप का चाइल्ड उन पेरेंट्स से ऑब्टेंड हुआ है जो कैसे हैं, टू राइट हैंडेड हैं। इट मीन्स ये राइट हैंडेड फॉर्म है, ये राइट हैंडेड फॉर्म है। तो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए ट्राई हाइब्रिड पॉपुलेशन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट विच कंटेन एटलीस्ट टू डोमिनेंट एलील। गौर करना बच्चों, एटलीस्ट टू की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फोर्क लाइन मेथड आप बना दें। तो ट्राई हाइब्रिड के लिए फॉर एग्जाम्पल ए बी बी सी सी, ये फॉर्म अपन ने ले लिया, फोर्क लाइन मेथड। अपने से पूछ रहा है एटलीस्ट टू डोमिनेंट। अगर इन तीनों की मैं बात करूं ए बी सी, इसका मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा हो अपना आंसर रहेगा, तो ये बात ठीक है। इन दोनों की बात करें तो ये भी आंसर जाएगा, इसकी बात करें तो ये भी आंसर जाएगा, दो डोमिनेंट है। लेकिन यहां दो रिसेसिव आ जाएंगी, ये आंसर अपना नहीं बनेगा। यहां अगर बात करें तो दो डोमिनेंट है, आंसर जाएगा। यहां अगर बात करें कॉम्बिनेशन की तो एक ही डोमिनेंट आंसर नहीं जाएगा, बाकी फॉर्म में दो डोमिनेंट का केस नहीं बनेगा। इसका मतलब जो 8 गैमेट बन रहे हैं उनमें से 1, 2, 3, 4 4 by 8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपना आ जाएगा 4 by 8। अच्छा, डायरेक्ट दिया हुआ है अपने लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीनोटाइप ऑफ गैमेट। गैमेट का जीनोटाइप का मतलब हो गया एक जीन की जो दो एलिलिक फॉर्म है वो दोनों गैमेट में नहीं पाई जाएंगी। यहां अगर बात करें तो रिपीटेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो एस का रिपीटेशन है या पी का रिपीटेशन है, लेकिन नंबर 2 ऑप्शन में किसी भी अल्फाबेट का रिपीटेशन नहीं है। मीन्स ये किसको इंडिकेट करता है, जीनोटाइप को इंडिकेट करता है गैमेट के। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेरेंट ऑफ ए गर्ल आर नॉर्मल बट फादर ऑफ दीज पेरेंट वर कलर ब्लाइंड। एक गर्ल है, उसके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, कलर ब्लाइंड उनमें नहीं पाया जा रहा है, लेकिन उन पेरेंट के फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड टू बिकम ए कलर ब्लाइंड कैरियर। गर्ल कैसी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड कैरियर, XCX ये होना चाहिए। गर्ल के पेरेंट कैसे बताए गए हैं अपने को, नॉर्मल, इसका मतलब मेल की अगर बात करें XY कंडीशन, फीमेल XX कंडीशन। इन दोनों ही पेरेंट के फादर कैसे रहे हैं, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड इसका मतलब इनके अगर फादर कलर ब्लाइंड रहेंगे तो कंडीशन ये, इसके अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो कंडीशन ये बन जाएगी। फादर का XC डॉटर में जाएगा, बेटे में नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो एज इट इज रहेगी। यहाँ XC जो है ये डॉटर में जाएगा, इसका मतलब इसके पास XC फॉर्म पाई जाएगी। अब यहाँ पर गर्ल चाइल्ड में से पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गर्ल चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये वाली है। इसका मतलब आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड 1 गर्ल चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड कैरियर, तो 50% चांस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ए डाई हाइब्रिड प्लांट विद फिनोटाइप ऑफ हेटरोजाइगस टॉल एंड रेड द फर्स्ट जीन पेयर शोज कंप्लीट डोमिनेंस। पहला जीन पेयर कंप्लीट डोमिनेंस दर्शा रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस के केस में रेशियो आता है अपने पास में 3:1। ओके, सेकंड जीन पेयर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेंड होता है वो आता है अपने पास में 1:2:1। ओके, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेंड विल बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाए, मल्टीप्लीकेशन में आप ध्यान रखना
इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से जहां लिखा जाएगा, और उसके बाद अगली जो संख्या के मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे नहीं आकर इसी के ही बगल में लिखे जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 2 1 ऑप्शन में देख लें ऐसा कहाँ पे अपने को ऑब्जर्व हो रहा है। 3 6 3 1 2 1 ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे, ए मैन हैज टू ऑटोसोमल जीन पेयर बी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ही ऑल्सो हैव एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल डी, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑटोसोमल फॉर्म की अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, और मैन की बात कर रहा है इसका मतलब एक्स वाई की बात होगी। ओके, एक्स लिंक्ड जीन पाई जा रही है स्मॉल डी, अपने से पूछ रहा है कि इस टाइप का अगर गैमेट बने तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गैमेट में कैपिटल बी आना चाहिए, इन दोनों में से कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, इन दोनों में से स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इन दोनों में से एक्स डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मल्टीप्लीकेशन किया जाए ये आएगा अपने पास में 1/8, तो ऑप्शन बन जाएगा अपना 1/8 मीन्स 12.5%। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ए प्लांट रिप्रेजेंट जीनोटाइप आपको बता रखा है टेट्रा हाइब्रिड जीनोटाइप, कैलकुलेट इट्स जीनोटाइप टू फिनोटाइप रेशियो। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बच्चों, जीनोटाइप के लिए 3n होता है और फिनोटाइप के लिए 2n होता है। अपने को जीनोटाइप का फिनोटाइप के साथ पूछा है, फिनो का जीनो के साथ नहीं पूछा, तो इस पर थोड़ा सा आप गौर करें। एन बराबर कितना है टेट्रा हाइब्रिड मीन्स 4, तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 अपने पास में आ जाएगी 81 और 2 की पावर 4 आ जाएगी 16, तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इफ हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर इज 9 देन डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमिक कंडीशन रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। डबल ट्राइसोमी का मतलब हो गया 2n+1, इट इज ट्राइसोमी, बट डबल ट्राइसोमी ये वाली कंडीशन बनेगी, और टेट्रासोमी कंडीशन का मतलब होता है 2n+2, n अपने को दिया हुआ है 9, n इज इक्वल्स टू 9, तो 2n अपना दोनों ही केसेज में कितना हो जाएगा 18, 18+1 19+1 20, इसका मतलब डबल ट्राइसोमी के केस में क्रोमोसोम का नंबर 20, और यहां पर अगर बात करें तो ये भी कितना 20, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट जीन ए बी सी कंट्रोल द फ्लावर कलर हाइट एंड पोजीशन ऑफ द फ्लावर रेस्पेक्टिवली, स्टडी द फॉलोइंग जीनोटाइप एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिनोटाइप। ये आपको इनके फिनोटिपिक दिखा रखे हैं, इफ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट आर क्रॉस्ड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट विल बी टॉल होंगी, हैव पिंक एंड एक्जिलरी फ्लावर। तो जो प्लांट अपने को ऑब्टेंड हुआ है उसका प्रोपोर्शन जो अपने को पता करना है उसके लिए आप जीनोटाइप लिख दें पहले, तो टॉल है, टॉल के लिए मीन्स कैपिटल बी और डैश आ सकता है, कैपिटल बी और डैश की फॉर्म बन सकती है। पिंक फ्लावर के लिए ये फॉर्म ही बनेगी, इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म बनेगी, और एक्जिलरी फ्लावर के लिए सी और सी डैश फॉर्म बन सकती है, सी और सी डैश फॉर्म बनेगी। ओके, अब अपन पता करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी उस टाइप के जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी ऑब्टेंड होती है। क्रॉसिंग देखें आप, इस प्लांट का क्रॉस इससे करवाया जा रहा है। ओके, यहां पर अगर गैमेट फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो गैमेट फॉर्मेशन यहां हो जाएगा, होमोजाइगस को एक बार लिया जाता है, गैमेट फॉर्मेशन फोर्कलाइन मेथड के दौरान ये भी एक बार आएगा, और यहां से गैमेट बन जाएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस गैमेट का जीनोटाइप बनेगा ए बी एंड कैपिटल सी, इसका बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो दो गैमेट तो बन गए अपने पास में ये वाले। अगला प्लांट है दो हिटरोजाइगस केस, इसका मतलब गैमेट बनेंगे यहां पर 4 टाइप के, वही स्मॉल ए ले लें, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां जो गैमेट बनेगा ए बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ए बी कैपिटल सी, और यहां बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी।
ये जो गैमेट हैं इनका क्रॉस इनके साथ हो, फिर वो उस टाइप का जीनोटाइप अपने को कितना प्राप्त हो, तो इनको आप यहाँ पे लिख दें ए बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, पॉसिबल जीनोटाइप पता करने के लिए अपन चेकरबोर्ड मेथड का काम में लेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर आप देखें अपने पास में कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आना चाहिए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, इसका मतलब कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दोनों स्मॉल ए नहीं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो चारों ही केसेज में क्या बनेगा, स्मॉल ए, इसका मतलब इस टाइप का जीनोटाइप तो ऑब्टेंड नहीं होगा। अब अगली सिचुएशन देखें, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी, तो बी और बी डैश कैसा भी हो सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, ये भी बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी बनेगा। लेकिन अगली बात करें अपन, कैपिटल सी के साथ दोनों ही केस आ सकते हैं, इसका मतलब कैपिटल सी के साथ ये आ जाए ओके है, ये आ जाए स्मॉल सी, ये भी और ये भी, इसका मतलब जो टोटल 8 जीनोटाइप बन रहे हैं प्रोजेनी के, उसमें से इस टाइप के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल जो हैं वो कितने बनेंगे, 4। तो 4/8 सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 4/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 25%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, गलत कौन सा है इनमें से। ऑन सेल्फिंग ए डाई हाइब्रिड 50% प्रोजेनी विल बी रिसेसिव फॉर बोथ द ट्रीट, तो अपने को पता है 50% डाई हाइब्रिड की सेल्फिंग करवाए जाने पर रेशियो अपने को ऑब्टेंड होता है 9:3:3:1 ओके, तो दोनों ट्रेट के लिए 50% रिसेसिव, रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्राई हाइब्रिड प्लांट है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसेज जीनो जेनेटिकली 8 टाइप ऑफ द गैमेट, गैमेट के लिए 2^3 का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, 2^3 मीन्स 8 टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, थोड़ा सा डेफिनेशन को क्लियर कर दें, बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 इंडिविजुअल का आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस हो या रिसेसिव से क्रॉस हो, इट इज बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 का क्रॉस किसके साथ हो, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस हो, इट मींस हर टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस की डेफिनेशन में आता है, ठीक बात है। लेकिन एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस, क्योंकि एक बैक क्रॉस ऐसा भी बनता है TT का क्रॉस किससे हो जाए बच्चों, कैपिटल T से, तो इट इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, ऑल्सो करेक्ट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट अपना आंसर चला जाएगा 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द 5 मार्क क्रॉसेज एक्स आर टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल T स्मॉल T का क्रॉस किससे हो, F1 का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो यहां पर X1 की बात करें कैपिटल T के साथ क्रॉस है, ये नहीं होगा। X2 की बात करें F1 का रिसेसिव से है, होगा। X3 की बात करें F1 का F1 से सेल्फिंग है, नहीं होगा। X4 की बात करें तो ये फिर से वही रिपीटेशन हो गया X1 का, ये भी नहीं होगा। X5 की अगर बात करें तो ये भी रिसेसिव से है, इसका मतलब है, दो ऐसे क्रॉस हैं, दो ऐसे X हैं जो टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से, X=2 X=5 means 2 and 5, this one option number 2 is correct। okay, agle question pe move karte hain। which of the following statement are true about the human ABO blood grouping, IA and IB together are codominant, agar IA aur IB dono sath aate hain to AB blood group banta hai, means dono apna effect equally darshate hain, codominant hai, correct, and are dominate over the I0, IAB डोमिनेट है I0 के ऊपर, IBB भी डोमिनेट है I0 के ऊपर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंटीजन एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की नहीं होती हैं, आप सभी जानते हो इनकी नेचर के बारे में, एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। इट हैज 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप, अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनो हैं, बी के लिए 2 जीनो हैं, ए बी के लिए 1 जीनो है और ओ के लिए 1 जीनो है, तो 6 तो जीनोटाइप बनेंगे और 4 फिनोमीन्स ए बी ए बी ओ, तो ये बात भी क्या है, करेक्ट। ओ प्लस इज यूनिवर्सल डोनर, यहां पर RH एंटीजन पाया जाता है और RH एंटीजन अगर प्रेजेंट हो गया तो यूनिवर्सल डोनर नहीं बन सकता, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना रॉन्ग, इट इज ए केस ऑफ
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में काउंट नहीं किया जाता है किसको, ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल एलिलीन को, डोमिनेंस कंडीशन को, कोडोमिनेंस कंडीशन को। मींस ट्रू पूछ रहा है अपने से, पहला सही है, तीसरा सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन चला जाएगा अपना सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस सिंबल इज टू रिप्रेजेंट कैरियर ऑफ रिसेसिव एलील। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए सिंबल जो है वो काम में लिया जाएगा इस टाइप का। ओके, दिस इज कैरियर, ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो गया। मेंडल सेलेक्ट 14 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, 14 पेयर नहीं 7 पेयर बोल दो या 14 बोल दो, तो ये भी गलत हो गया अपना। पॉड कलर सेलेक्टेड बाय मेंडल सोज येलो कलर नॉट ग्रीन कलर, पॉड इज डोमिनेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दिस सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन ट्राईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल बी, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, फिनो और जीनो का नंबर कितना होगा, तो ट्राईहाइब्रिड मींस n बराबर 3। फिनो की अगर बात करें तो फिनो के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3 और जीनो के लिए फॉर्मूला होता है 3 की पावर 3। तो फिनो तो आ जाएगा अपने पास में कितना 8 और जीनो आ जाएगा अपने पास में कितना 27। 8 एंड 27 आना चाहिए, फिनोटाइप 8 हो गया, जीनोटाइप 27 हो गया, अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 है ना, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी करेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, हिज प्रोपोजिशन वॉज बेस्ट ऑन। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइए। रिजल्ट ऑफ F3 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस ओनली, केवल F3 पर डिपेंड करेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन प्लांट हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर सोज ओनली वन करेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, तो केवल एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करें, उसके द्वारा भी डिस्क्रीट यूनिट को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। रिजल्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद सम रिसेसिव प्रोजेनी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट पर ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है मेंडल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ और देख लें, क्रॉस पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट ओनली, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस, दिस क्रॉस विल बी कंप्लीटली हेट्रोजाइगस इफ ऑल जीन सेग्रीगेट इंडिविजुअली, कोई लिंकेज इनमें नहीं पाया जा रहा है, तो क्रॉस के रिजल्टेंट कंप्लीटली हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने बनेंगे, तो कंप्लीटली हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जब फोर्क लाइन मेथड से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहां जो है वो गैमेट कैसा बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी टाइप का गैमेट बनेगा। वहां अगर गैमेट की बात करूं तो गैमेट कैसे कैसे बन जाएंगे, वही फोर्क लाइन मेथड से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कंप्लीटली हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, कंप्लीटली हेट्रोजाइगस मीन्स अगर यहां जो गैमेट बन रहे हैं उन गैमेट के रेस्पेक्ट में आप डायरेक्ट देख पाएंगे इनको, मैं गैमेट नहीं लिख रहा हूं, आप समझना इसको, ए बी सी, यहां अगर ए बी ये दोनों आते हैं तो हेट्रोजाइगस केस तो नहीं बनेगा, हेट्रोजाइगस केस तो तब बनेगा जब ए ए बी बी और सी सी ये अपने को ऑब्टेंड हो। दूसरे के साथ ए और बी, फिर से कैपिटल ए आ रहा है, यहां पर कैपिटल ए है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगली बात करें, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, अगर यहां बात करें तो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये नहीं बनेगा। कैपिटल ए अगले गैमेट में अगर बात करें तो फिर से दोनों कैपिटल ए आ जाएंगे, नहीं बनेगा। यहां अगर बात की जाए तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये केस बनेगा। कैपिटल बी कैपिटल बी, ये केस नहीं बनेगा। यहां अगले केस में बात करें फिर से कैपिटल बी आ गया तो ये भी नहीं बनेगा। यहां अगर बात की जाए तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा और कैपिटल सी स्मॉल सी बनेगा, ये फॉर्म बनेगी।
और यहाँ अगर बात करें ए बी सी तो कैसा बन जाएगा, ए ए बी बी, लेकिन ये दोनों सी आने के कारण ये भी हेटरोजाइगस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आठ में से एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कंप्लीट हेटरोजाइगस को शो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीन सप्रेसिंग एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन, दिस सप्रेशन कोजिंग जीन इज नॉन एज। तो जो नॉन एलिलिक जीन है उनके इंटरेक्शन की यहां पर बात हो रही है, एक जीन दूसरे को सप्रेस करती है तो वो सप्रेसिंग जीन क्या कहलाती है, एपिस्टेसिस कहलाती है, लेकिन जिसका सप्रेशन हुआ है वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाती है। अपने से ये पूछा है दिस सप्रेशन कोजिंग जीन इज नॉन एज एपिस्टेटिक जीन, आंसर इज वन। नेक्स्ट, इन ड्रोसोफिला देर आर 15 मल्टीपल एलील टू कंट्रोल द आई कलर ऑफ द वेरियस सेट्स, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल इन दिस पॉपुलेशन। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में जीनोटाइप को अगर कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला बच्चों आप याद रखें एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एलील कितनी दी हुई है, 15, तो कैलकुलेट करें 15 इंटू 15 प्लस वन बाई टू, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 बाई टू, कैलकुलेशन करने पर 240 बाई टू ये आ जाएगा अपने पास में 120, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत का पता करना है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है सही, डाउन सिंड्रोम मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है गलत बात, मोनोसोमी नहीं है ये ट्राइसोमिक केस है, किसका 21st ऑटोसोम का, मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया गलत, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है ठीक बात है, टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स जीरो ये बात भी क्या है सही है, इनकरेक्ट पता करना है तो ऑप्शन हो जाएगा अपना 3। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, टर्नर सिंड्रोम के लिए 44 प्लस एक्स जीरो दिया है, इसी के लिए एनसीईआरटी ने एक और बात बोली है वो है 45 विद एक्स जीरो, तो ये बात भी सही है किसके लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए, क्योंकि टोटल क्रोमोजोम कितने हैं 45, जिसमें सेक्स क्रोमोजोम कंडीशन क्या है एक्स जीरो, मींस इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज ग्रुप इन द कपलिंग फेज, कपलिंग फेज की अगर बात की जाए एक क्रोमोजोमल स्टैंड पर दोनों डोमिनेंट आ जाएंगी, अनोदर क्रोमोजोमल स्टैंड पर दोनों रिसेसिव आ जाएंगी, तो ऐसा केस देखें, इस पर रिसेसिव डोमिनेंट नो, इस पर दोनों डोमिनेंट दोनों रिसेसिव ओके, यहां पर क्रॉस चेक कर लें रिसेसिव डोमिनेंट नो, रिसेसिव डोमिनेंट नो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है करेक्ट स्टेटमेंट, जी ए जी ऑफ हीमोग्लोबिन ए, यहां पर डीएनए स्ट्रैंड की बात हो रही है, जी टी जी ऑफ हीमोग्लोबिन जीन एस, बिल्कुल ठीक बात है कि कहने का मतलब जो ए फॉर्म है उसकी जगह क्या आ जाता है टी आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, सिक्स्थ अमीनो एसिड इन बीटा चेन इज ग्लूटामेट इंस्टेड ऑफ वेलिन, नो ये गलत बात है, वेलिन आ जाता है किसकी जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह, तो ये स्टेटमेंट बन गया गलत। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इसका मतलब ए रिप्लेसेज बाई टी, तो एडिनिन क्या है एडिनिन, इसके लिए आप याद रखें सी यू टी, कट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पायरिमिडीन को, और ए जी रिप्रेजेंट करता है किसको, प्योरिन को, इसका मतलब ए की जगह क्या आया है टी आया है, तो पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन टाइप कहलाता है, और अगर सिमिलर टाइप होते प्यूरिन की जगह प्यूरिन या पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन तो फिर केस क्या बन जाता है, ट्रांजिशन टाइप का, स्टेटमेंट सही है, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नॉट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो स्टेटमेंट ये भी बन गया रॉन्ग। ट्रू पूछ रहा है अपने से पहला दूसरा और चौथा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी वर सेलेक्टेड बाई द मेंडल, तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी, पेयर नहीं दे रखा है इसलिए गौर करना, 7 क्लिक नहीं करना है अपने को, क्लिक करना है 14। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस,
ऑल्सो नॉन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील होती जाएंगी उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। सही स्टेटमेंट, डोमिनेंट एलील शोज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अभी मैंने एक बात स्टेटमेंट कही है, जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना ही फिनोटिपिक इफेक्ट बढ़ेगा। सही बात है। बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेंड, इस प्रकार की कर्व ऑब्टेंड होती है। ठीक बात है। फिनोटाइप आर मोर फ्रिक्वेंट एट वन मार्जिन, एट वन मार्जिन मीन्स इन दोनों मार्जिन पर होता है, नहीं फिनोटाइप ज़्यादा कहाँ होता है, बीच में होता है। तो स्टेटमेंट फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग, ओड वन पूछा है, इसलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, स्किन कलर इन ह्यूमन। सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिमिटेड के विषय में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज बता दूं। सेक्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जीन ऑटोसोम पर पाई जाती हैं, दोनों इंडिविजुअल में होती हैं और मोर फ्रिक्वेंटली एक में एक्सप्रेस होता रहता है। लेकिन सेक्स लिमिटेड की भी अगर बात करें तो इसकी भी जीन ऑटोसोम पर तो होती हैं, लेकिन ये एक ही सेक्स इंडिविजुअल जो है उसमें रिप्रेजेंट हो पाता है हार्मोनल अफेक्ट के कारण। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट स्किन कलर ये नहीं है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट एक्सप्रेसेज इन ओनली वन सेक्स, अभी जैसे एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वही हो जाएगा। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट इक्वली एक्सप्रेस, इक्वली नहीं, मोर फ्रिक्वेंटली एक सेक्स में ज़्यादा होगा। सेक्स लिमिटेड ट्रेट हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है रिसेसिव टाइप का, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म एलील वाज कन्वेड, तो एलील के लिए आप याद रखें बैट्सन और सॉन्डर्स ने एलील टर्म दिया था, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ट्रेट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेटरोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट, सभी ट्रेट अपने आप को हेटरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेंगे, इसका मतलब डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव हेटरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता है। तो अपने को इनमें से रिसेसिव पता करना है, येलो सीड डोमिनेंट है, ग्रीन पॉड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड रिसेसिव है, वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट है। तो रिसेसिव का अपने को पता करना था, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओल्ड ए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो विद 62.8% पेरेंटल टाइप एंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट शोज दैट जीन हैव, तो ये ड्रोसोफिला की क्रॉसिंग का ही एक एग्जाम्पल है और ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला में आप सभी को पता है इनकम्प्लीट लिंकेज पाया जाता है, 50% से ज्यादा पेरेंटल बनता है, 50% से कम रिकॉम्बिनेंट बनता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनहेरिटेंस डज नॉट टेक प्लेस थ्रू द फीमेल, फीमेल के द्वारा इनहेरिटेंस नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल के द्वारा ही होता है, कोडोमिनेंस मेल फीमेल दोनों दर्शा सकती हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस दोनों दर्शाती हैं, लेकिन होलेंड्रिक टाइप का केवल मेल दर्शाता है फीमेल नहीं दर्शाता, सो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। जेनेटिक मैप इज वन दैट अलाउ, जेनेटिक मैप क्या अलाउ करता है, स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, रॉन्ग स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल रीजन, ये जेनेटिक मैप का फंक्शन नहीं है, स्टेजेज इन द जीन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये किसको दर्शाता है, साइट ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम के ऊपर जीन की लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइडू कैट सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोजोमल चेंज इन्वॉल्विंग, तो आप सभी को पता है क्राइडू कैट सिंड्रोम जो है ये फिफ्थ क्रोमोजोम की जो शॉर्ट आर्म होता है उस शॉर्ट आर्म के पार्ट के डिलीशन की वजह से अराइज होता है, इसका मतलब किस टाइप का है, ये डिलीशन टाइप का, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच डिजीज अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इस प्रकार का ये जो डिसऑर्डर है ये कहाँ देखा जाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है उसमें इस प्रकार की इम्बेलेंस देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ बार बॉडी इन जीनोटाइप, बार बॉडी का फॉर्मूला है जितने भी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम उनमें से वन माइनस करना होगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम कितने हैं, थ्री, तो थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू टू, तो आंसर फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप फ्रॉम, ये क्रॉस आपको दिया हुआ है और इस क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब आप वही फोर्क लाइन मेथड से इन गैमेट को आप जब बनाएंगे तो स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, इस टाइप का इंडिविजुअल केवल आपको लास्ट वाला इंडिविजुअल मिलेगा, कहने का मतलब 16 बनेंगे टोटल
और उनमें से एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए तीन एलील होती है, इन विच आई बी इज रिसेसिव, नो आई ए आई बी बोथ आर डोमिनेंट, ऐसा एक क्वेश्चन पहले आया था, कंसेप्ट अलग था उसका, गलत बात। थ्री एलील इन विच आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। थ्री एलील इन विच आई ए आई बी आर रिसेसिव, रॉन्ग। टू एलील, ये बात यही गलत हो गई, तो अपने को करेक्ट के रेस्पेक्ट में बोलना है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाई, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट पेरेंटल टाइप ज्यादा हैं बजाय किसके, रिकॉम्बिनेंट टाइप के, इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, लिंकेज की। अब देखिए आप, क्रोमोजोमल फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, लिंकेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, लिंकेज की अगर बात की जाए तो जीन जो लिंकेज दर्शाती हैं, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, वो एक ही क्रोमोजोमल स्टैंड पर पाई जाती हैं, सही है। बोथ द करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन, नो पॉलीजेनिक का है। द टू जीन आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोजोम, कहीं लिंकेज की बात होती नहीं है अलग अलग क्रोमोजोम पे, इसका मतलब ऐसा केस कहाँ देखने को मिलेगा, लिंकेज में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, तो आप सभी को पता है वेरिएशन के पीछे कारण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस में नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रहे हैं। न्यू सेलर पॉली एम्ब्रियोनी विदाउट फर्टिलाइजेशन बनती है, रॉन्ग आंसर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म दैट कॉजेज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनोदर इज कॉल्ड एज, एक लिंकेज ग्रुप से अनोदर पे जाना ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, ऑटोसोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ये सेक्स लिंक्ड है, रॉन्ग। टर्नर सिंड्रोम सेक्स से संबंधित है, ये ऑटोसोमल है, ओके, लेकिन ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, तो आंसर ये नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, 21st क्रोमोजोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो आंसर इज 4। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, तो ब्लड ग्रुप डोमिनेंस दर्शाता है, कोडोमिनेंस दर्शाता है, मल्टीपल एलिलिज्म दर्शाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दर्शाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं दर्शाता है, इसका मतलब ए बी और सी जो है इसके रेस्पेक्ट में करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, दोनों पेरेंट थैलेसीमिया के लिए कैरियर हैं, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड, इन दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपने को पता है इसमें एक प्रोजेनी ऐसे बनने के चांस हैं, दो प्रोजेनी के ये चांस बनते हैं, तो 4 में से अफेक्टेड कितना बनेगा, 1, और 1 का मतलब हो गया 25%, तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाई ए क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट, F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर रही है, इसका मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम 21st की ट्राइसोमी है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइसोमी है। वेरिएशन इन कैप्सूल साइज ऑफ दतुरा, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, 4th ऑप्शन पे आए। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है वो 44 प्लस एक्स जीरो कंडीशन है, ये मोनोसोमिक कंडीशन है, नॉट ट्राइसोमी, तो आंसर तो ये बन जाएगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन जब भी आ जाए तो आप मान के चलें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके लिए नॉन होगा। धतुरा के रेस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं आपको, तो धतुरा के रेस्पेक्ट में डिफरेंट साइज के कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, और ये डिफरेंट टाइप के कैप्सूल का फॉर्मेशन जो है ट्राइसोमिक केस भी बनता है, टेट्रासोमिक भी बनता है, पेंटासोमिक भी बनता है, तो ये भी ट्राइसोमी दर्शाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 4।
which is the most common mechanism of genetic variation in the population of a sexually reproducing organism? Sexual reproduction दर्शाने वाले organism में variation का most common mechanism क्या कहलाता है? तो जो variations arise होती हैं उसके पीछे कारण होता है crossing over, और crossing over means recombination बनते हैं. तो option number second is correct. Next. A gene showing co-dominance has co-dominance दर्शाने वाली जो जीन होती है उसमें आपको पता है कि दोनों अपने आप को इक्वली अफेक्ट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं. बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन दी हिट्रोजाइगस कंडीशन. कहने का मतलब जैसे ए बी ब्लड ग्रुप अपन ने देखा था तो दोनों हिट्रोजाइगस हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं. तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके दोस्तों, ये अपने 1 to 90 क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स से थे.